दोनों से ज्यादा मोटे हैं। यहाँ पे आज लगा दिया मैंने अन्नु और हनी को अमरूद तोड़ने के लिए, और अमरूद तो वैसे पके नहीं हैं, कच्चे कच्चे से हैं, लेकिन जो मोटे मोटे से हैं तो फिर बच्चों का मन कहाँ मानता है, तो मैंने कहा चलो लेके आ जाओ। और जो मतलब एक दो मोटे मोटे दिख रहे हैं वो थोड़ा मीठे मीठे हो ही जाते हैं खाने में, तो यहाँ पे देखो हनी भी लगा हुआ है तोड़ने में और अन्नु भी, और हनी ने एक दो तो कच्चे कच्चे भी निकाल दिए थे, अनु ने तो मोटे मोटे निकाले हैं जो शायद हम लोग खा सकते हैं, और ये देखो इसने दो ऐसे तोड़ दिए ये तो बच्चे मानते कहाँ हैं फिर। और ये देखिए इस तरह से तोड़ दिए इन्होंने अमरूद। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे देखिए हमने आज तोड़े हैं ताजे ताजे से अमरूद, आप भी खाइए। अनु काट रही अमरूद, अभी लाए हैं जस्ट तोड़ के, ये देखो ताजे ताजे पेड़ के। आजकल हमारे यहाँ खाने के ठाड़ हैं, कभी अमरूद खाने को मिल रहे, कभी तोरी मिल रही है, नहीं हनी कभी कद्दू, कभी क्या मिल रहा होता कद्दू कभी कद्दू मिल रहा है, कभी अखरोट, कभी सेब, हाँ कभी सेब, कभी अखरोट, हाँ सही बोला है ना। तो हम खाते अमरूद, आप भी खाइए। मैं आ गई हूँ अब किचन में, अमरूद भी हमने खा ही लिए थे, ज़्यादा भी नहीं खाए गए, एक ही खाया है। और यहाँ पे जो चने हैं वो मैंने रात को भिगो के रखे हुए थे, तो फिर मैं इन्हें उबाल दूँगी। और इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी और ऑयल डाला है, इससे ये होता है कि जैसे सीटियाँ वगैरह आती है तो फिर मतलब पूरा जो पानी है वो बाहर नहीं आ पाता है, तो इस तरह से जो उबाल के अगर दाल डालो तो फिर ठीक रहती है। और इसमें ज़्यादा सीटियाँ मराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 सीटियाँ मरा लो, फिर ये जल्दी से बन भी जाती है क्योंकि रात की भिगोई भी रहती है ये। और ये चढ़ा दिया है मैंने गैस में, इतने में मैं अपने बाकी के काम कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे बाहर में आ गई थी, देखिए मौसम भी देख सकते हैं आप लोग, मौसम आजकल बस ऐसा ही है, कभी धूप है कभी बारिश है, तो धूप भी ज़्यादा नहीं लग पा रही है। और जो मेरा मन है वो एक दो दिन से बहुत ही बेकार है, वीडियो बनाने का मन नहीं हो रहा है, फिर भी मैं बना रही हूँ मन अच्छे से समझा के, क्योंकि मुझे तो मतलब काम करना ही है। और मन ऐसा हो रहा था कि वीडियो ना बनाऊँ, बस नींद आ रही है, सोने का मन कर रहा है, तो फिर क्या करना है, बच्चों के लिए करना पड़ता है, खाना भी बनाना है, घर का काम भी करना ही है। आपको पता ही है एक हाउसवाइफ है, वो फिर आराम करेगी तो घर का काम कौन करेगा। तो यहाँ पे मैं बाहर में मन को बहला फुसला के आई चुकी हूँ, और यहाँ पे जो थोड़ा बहुत जख्या थे निकाले हुए उन्हीं को मैं बीन रही थी यहाँ पे बैठ के, और इतने में मैंने कहा मेरी दाल भी उबल जाएगी तो फिर मैं क्या करूँगी, तब तक मैंने कहा यही कर लेती हूँ मैं। और काम वगैरह घर का जो सुबह का होते ही वो सारा निपट चुका था मेरा, तो फिर यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 12 बजे का ही टाइम हो रहा है, तो आज मैंने जो वीडियो है देर से शुरू किया है। पहले मूड था बनाऊँ ना बनाऊँ, फिर मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। और ये जो जख्या थे ये काफ़ी टाइम हो गए थे बाहर में रखे रखे, और बारिश भी हो रही थी, फिर मैंने कहा चलो मैं इसमें ये वाला काम भी कर ही देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन अगर सामने पर कोई चीज़ रखी रहे तो फिर बेकार सी लगती है, जब तक वो निपट ना जाए। तो फिर बच्चे दोनों अंदर देख रहे हैं टीवी। तो यहाँ पे ये देखिए टमाटर प्याज और जो लहसुन है ये मैंने कट कर दिए थे, और जो ये चने की दाल है यानी कि छोले ये मेरे उबल चुके थे, और मैंने साथ ही साथ चावल भी चढ़ा दिए हैं, जल्दी से हो जाएगा काम। तो फिर मैंने चावल जल्दी रख दिए हैं, बच्चों को भूख भी लग जाती है, और तेल भी रख दिया है, देखिए तेल मेरा गर्म भी हो चुका है। और ये प्याज मैंने बड़े बड़े से ही कट किए हैं, क्योंकि जब मोटी दाल वगैरह बनती है तो इसके लिए पेस्ट बनाना होता है, और तो इसलिए मैंने इसे बड़े बड़े ही किया है, क्योंकि मैंने इसे करना है मिक्सर में ग्राइंडर, तो इस वजह से मैंने ये बड़ा बड़ा ही रखा है। इसमें हरी मिर्च डाली है 2 और प्याज है 2, तो ज़्यादा नहीं डाले हैं क्योंकि मुझे दिन के लिए
ज़्यादा बच जाती है बेकार लगती है। तो इसे मैंने कर देना है हल्के से ब्राउन। और जैसे प्याज टमाटर का जो पेस्ट बनाओ तो फिर ये पतली मतलब दाल अच्छी सी हो जाती है, और अगर इस तरह से रखोगे तो फिर बच्चे छान छान के खाते हैं। मोस्टली सबके यहाँ बच्चे ऐसे ही होते हैं जो टमाटर प्याज छान छान के अलग करते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ है तो मुझे लगता है कि सबके बच्चे ही ऐसे होते हैं। और यहाँ पे देखो ये डाले हैं मैंने फिर टमाटर, तो मैंने इसे अच्छे से भून लेना है दोनों को। जब ये मेरे अच्छे से भून जाएंगे तब जाके मैं इसमें नमक और जो मेरे जो मसाले हैं वो ही डालूंगी, और इनको अच्छे से चलाने के बाद फिर मैं इसमें ढक्कन लगा दूंगी। और इसे ज़्यादा नहीं, 1 से 2-3 मिनट ही लगेगा और ये एकदम से बन भी जाते हैं। तो इस तरह से अगर दाल बनाओ तो अच्छी भी बनती है, टेस्टी भी बनती है और खाने में मज़ा भी आता है, क्योंकि जैसे और बारीक दालें हैं तो वो तो हम किसी भी तरह बना लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको ठंडा करके इसका पेस्ट बना दिया था मैंने मिक्सर में। इसे ज़्यादा गरम गरम भी नहीं डालना है, इस तरह से बनाया मैंने पेस्ट, थोड़ा सा ही है। और यहाँ पे फिर मैंने उसी वाले जो भगोने को एकदम पानी से मतलब धो दिया था, और इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा फिर से यही सरसों का तेल, और इसमें ऐड कर दूँगी मैं जीरा। और जीरा जब मेरा हो जाएगा यानी चटक जाएगा तो इसमें मैंने ये पेस्ट भी डाल देना है साथ ही साथ, और इसको चला लूँगी मैं अच्छे से। तो जो ये मोटी दालें हो गई जैसे राजमा हो गया, काबली चने और ये चने की दाल हो गई, तो अगर इनमें पेस्ट बना के डालो तो ये दाल बहुत ही टेस्टी बनती है। वैसे तो हम मोस्टली ऐसे बारीक दालें बनाते हैं तो उनमें अच्छा लगता है तड़का सा, किसी किसी दाल में अच्छा लगता है प्याज टमाटर, लेकिन किसी किसी दाल में ऐसे पेस्ट बना के डालो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो फिर हमें दिन के लिए ही बनाना है ओनली, तो मैं उसी हिसाब से ही बनाऊँगी जितना मुझे चाहिए। तो मैंने ज़्यादा नहीं बनानी है क्योंकि फिर बासी रात में खाया जाता नहीं है, और जितना गरम गरम खा लो उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे जो चने हैं ये मैं भी डाल दूँगी साथ ही साथ, क्योंकि वो जो मेरे वो पहले से ही आपको पता है जो प्याज टमाटर अच्छे से भुने हुए थे, तो इनको मैंने ज़्यादा नहीं चलाया, थोड़ा सा ही चलाया था मैंने ओनली। और इसमें मैंने ये जो चने हैं ये मैं थोड़ा थोड़ा करके देख भी रही हूँ कि कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं, अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं उगले हुए बचा भी दूँगी, क्योंकि फिर उबले हुए बच जाएंगे तो ठीक है और वैसे बचेंगे तो फिर बेकार लगते मुझे। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी जो मुझे दिन के लिए चाहिए ओनली, और हम 3 आदमियों के लिए चाहिए उतना ही देख रही हूँ मैं। तो ये देखिए इस तरह से मेरी ये खोल चुकी है दाल, और ये मुझे लग रहा है इसमें पानी थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मेरा जो हनी है वो तरी तरी वाला बहुत ज़्यादा है, अगर गाढ़ी भी बनेगी तो फिर वो चने निकाल निकाल के फेंकता है। और यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी मलाई, और मलाई डालने से ये होता है कि इसका टेस्ट बढ़ जाता है। वैसे आपकी मर्ज़ी है मलाई डालो ना डालो, क्योंकि कई लोग मलाई नहीं खाते हैं तो आपकी मर्ज़ी, अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन मुझे या फिर हमारे बच्चों को मतलब ये मलाई वगैरह ठीक लगती है। तो इसमें मैंने ज़्यादा नहीं 2 चम्मच मलाई डाली है, मलाई से थोड़ा टेस्ट निखर के आ जाता है, बच्चे खा ही लेते हैं फिर भी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा और सुखाऊँगी, मुझे मतलब थोड़ा सूखी सूखी से अच्छी लगती है, बच्चे को तरी पसंद है तो फिर मन तो रखना ही पड़ता है सभी का। और यहाँ पे देखिए चावल ये मेरे बन चुके हैं, चावल मैंने पहले ही बना दिए थे, और देखिए दाल ठीक बनी है, अच्छी बनी है, टेस्टी बनी है, बच्चों ने भी खाई है, हमने भी खाई है। और यहाँ पे शाम को मैं अंडे मतलब लेके आ गई थी कल में, तो मैंने यही रखे हैं, मैं इनका भी नंबर बहुत दिनों बाद आया है अंडों का, मतलब अंडे तो खाए हैं लेकिन उबलने का नंबर, तो यहाँ पे मैंने उबाल दिए हैं। मेरे बेटे को बहुत ही अच्छे लगते हैं उबले हुए अंडे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, और फिर मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ मिलूँगी। तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर मेरी वीडियो में आप नए आए हों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।